आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। गौतम भाई, लोग कहते हैं कि इतना पैसा कमा लिया, इतनी वेल्थ कमा ली, जरा दूसरों गरीबों के बारे में भी सोच लीजिए। रजत भाई, मैं जब, क्योंकि मैं तो ग्राउंड से आया हुआ आदमी है, तो मेरे को मेरी हर प्रोसेस के अंदर आम आदमी ऑलवेज नज़र में होते हैं। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरी 60th बर्थडे अभी जून 6 महीने पहले हुई, तो हम लोग फैमिली मेंबर्स बैठे थे उसके 10 दिन पहले, और फैमिली मेंबर बात कर रहे थे कि मेरे को क्या गिफ्ट दे रहे 60th बर्थडे को। तो मैंने बोला कि आपको जो मेरे को गिफ्ट ही देना है, तो अपनी जो फैमिली की वेल्थ है उसमें से 60,000 करोड़ आप फाउंडेशन को दे दो। और मेरे को खुशी वो बात की है कि अकेला मेरी बात नहीं है, मेरे पूरे फैमिली के, और बहुत हर्ष के साथ में उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, और उन्होंने ये दे दिया। अभी 60,000 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया आपने? जितना भी अंदर से आपकी इच्छा है, मनोबल इच्छा है, आप वो उसकी पूरी करो। तो जब हमने ये 60,000 करोड़, तो वही टाइम पे सोचा कि अभी ये 60,000 करोड़ तो चलो फाउंडेशन में डाल दिया, अभी उसका करेंगे कैसे, क्या उसका उपयोग करेंगे। तो हमने 3 सेक्टर पकड़ा के, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, और ये तीनों के ऊपर अभी एक्सपर्ट के साथ में चर्चा करके आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर हम उसका बड़ा अनाउंसमेंट और उसका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कि जिससे एक गरीब में गरीब आदमी और नीचे लेवल के आदमी को उसका कैसे फ़ायदा हो, और उसकी पूरी पूरी मेरी मंशा है कि उसका किस तरह से उसका सदुपयोग हो सके। ये सही है कि जो फाउंडेशन का काम है, ये जो आप चैरिटी की, लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, कि आप कम और आपकी वाइफ प्रीति ज़्यादा चलाती हैं? प्रीति जी, ये मेरा आधार स्तंभ है, और वो पूरा का पूरा फैमिली, 2 बच्चों, मेरी ग्रैंड डॉटर्स, उनको भी संभाल रही है, और ऐसे ही फाउंडेशन का काम। एंड सी इज़ द डॉक्टर, और डॉक्टर उन्होंने उनका प्रोफेशन छोड़ के मेरे को पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने फैमिली को पूरा सपोर्ट किया, फैमिली को संभाला, बच्चों को ग्रो किया, और जब बच्चे थोड़े ग्रो हो गए तो उन्होंने पूरा फाउंडेशन की एक्टिविटी हैंडल किया। तो आज मेरे को अंदर से संतुष्टि है कि प्रीति ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रही है, रोज का 7-8 घंटा वो फाउंडेशन की एक्टिविटी में बढ़ा रही है। और दूसरा क्या है कि हमारे फाउंडेशन के अंदर काफ़ी प्रोफेशनलिज्म भी हुआ है, और सब लोग प्रीति की निगरानी के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट का काम कर रहा है। मैंने वो फाउंडेशन के काम देखे हैं गौतम भाई, वाकई में अच्छा काम कर रही हैं वो। लेकिन उनके बारे में पढ़ते पढ़ते ये भी पता चला कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी तय हुई इससे पहले जब आप पहली बार उनसे मिले, उसमें आप कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। ऐसे भी मैं, रजत जी, मैं बहुत सहाय आदमी हूँ, और मैं अनपढ़ आदमी और वो डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। आपसे प्रश्न ये है कि आपका इतना बड़ा एम्पायर है, आप इतना व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त स्केड्यूल रहता है आपका, तो आप अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं, और ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताऊँ कि मैं हफ्ते में 3 दिन अहमदाबाद से बाहर रहता हूँ, जब 4 दिन जब होता हूँ तब मैं ऑफिस में थोड़ा लेट जाता हूँ, 10:30-11 बजे जाता हूँ, क्योंकि मेरा रात को ऑफिस से आने में 11-12 बज जाता है। मैं मॉर्निंग में 6:30 बजे उठ के 1-2 घंटा मेरी एक्सरसाइज और वो ख़त्म करने के बाद में 2-2.5 घंटा मेरी ग्रैंड डॉटर से
मेरी वाइफ और बच्चों के साथ में डाइनिंग टेबल के ऊपर बातचीत करता हूँ, गपशप मारता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो वो जो मेरा दिन का है कि दो एक घंटा मैं उनके साथ में। दूसरा एक मैंने एक नियम बनाया है कि ऑफिस में भी होता हूँ तो लंच टाइम में मेरे हर फैमिली मेंबर डाइनिंग रूम में होते हैं, जो भी अवेलेबल हैं, और उससे काफ़ी चर्चा और वो हो जाती है। एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली आई एम स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। अब आप ये नहीं बता रहे कि पत्ते भी खेलते हैं? ये सीक्रेट है। मैं रात को जाता हूँ तो प्रीति के साथ में मैं रमी पपलू गेम खेलता हूँ, 8-10 गेम खेलता हूँ, और मैं बोलूँगा वो ज़्यादा टाइम वही जीतती है। सर आप करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हो, आपका कोई रोल मॉडल जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहो? धीरू भाई अंबानी, आज एक देखने जाओ तो मैं उसको थोड़ा रोल मॉडल के रूप में देख रहा हूँ। और वो इसलिए कि उन्होंने भी उनके कार्यकाल में जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो टाइम पे उनकी इकोनॉमी पूरी खुली भी नहीं थी, फिर बाद में खुली है, और जिस तरह से उन्होंने एक देश को एक दिशा दिखाई है कि बड़ा किस तरह से सोचना चाहिए और उसको किस तरह से, और उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। क्योंकि मुकेश भाई ने उसके बाद में काफ़ी आगे बढ़ाया, वो अलग है, अपन फर्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं समझ सकता हूँ कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता है लेकिन विचार बहुत बड़े होते हैं तो वो आपको ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हूँ तो वो नेचुरली मैं देखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर, एंड ऑफकोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? जी रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी हूँ पढ़ा भी नहीं हूँ और मैं आपको काफी देर से फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप नहीं फंस रहे। अब जो बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, अब मैंने देखा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में आए, सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ आए, तो फिर उनको कैसे हैंडल करते हैं? सी ये मैं देखता हूँ कि ये अदानी ग्रुप हेडक्वार्टर में आए वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो देश में आए और वो इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं। और ये मैं बदलाव मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग प्रधानमंत्री और डिग्निटरीज जब आते हैं और वो आज इंडिया को कम्प्लीटली दूसरी तरह से देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा संतुष्टिक है कि नाउ दे आर बेसिकली लुकिंग इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वेरी सीरियसली। वो आपको इनवाइट करते हैं अपने आप बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो वो जो देशों के हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? सी मैंने एक देख रहा हूँ ये नरेंद्र भाई की खास खासियत, और वो था कि हाउ टू यूज अवर इंडियन डायस्पोरा। आज ऐसी बात नहीं थी कि इंडियन डायस्पोरा नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तभी हुआ है, वो पहले से इतने सालों से थे। दूसरे प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने ये देखा कि ये प्लेटफॉर्म को किस तरह से बेहतर यूज़ करें, और उसने सरकारी कोई खर्चे के बिना, आप अमेरिका जाओ या कोई भी कंट्री में जाओ, आप 50,000 पब्लिक आप इकट्ठा होती है और वो संगठित मात्रा में जब ये सिटीजन्स इकट्ठा होते हैं तो उसकी वैल्यू और उसकी रिस्पेक्ट उन्होंने कम्प्लीटली दूसरी तरह से वो बनाई है। और आज उसका फ़ायदा हर सिटीजन, जो इवन वहाँ के सिटीजन है इंडियन ओरिजिन है, आज उनको भी मिला है। आज इंडियन को मैं देख रहा हूँ
कि कम्प्लीटली डिफरेंट रिस्पेक्ट से देख रहा है। तो उसमें उनका ये योगदान जो है बहुत सराहनीय है। अपने जरा हमारे जो जज हैं प्रिंसिपल साहिब हैं SRCC की, अब इन्होंने इतना पैसा भी कमा लिया, बिजनेस के गुरु भी बता दिए, अब वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके कॉमर्स की, तो SRCC में एडमिशन मिल जाएगा इनको? हंड्रेड % जिस दिन आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 100% लाएंगे, 100% आपको SRCC में एडमिशन मिलेगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको कोई क्या पढ़ाएगा सर, आपके बारे में तो हम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं। गौतम भाई, आपने सब सवालों के अच्छे जवाब दिए। आज के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि गौतम भाई बोलते नहीं हैं, बोलते भी हैं, अच्छा बोलते हैं। आम तौर पर जो मेरे एक्यूज्ड होते हैं उनकी मैं कम तारीफ करता हूं, लेकिन वाकई में आप एक बड़े दिल के आदमी हैं और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। आपकी अदालत में आपने मुकदमा चलाया जाने माने उद्योगपति वर्ल्ड नंबर 3 रिचेस्ट गौतम अडानी पर। हमने गौतम अडानी से पूछा उनकी ग्रोथ के बारे में, उनसे पूछा राहुल गांधी के इल्ज़ाम के बारे में, नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती के बारे में, अलग अलग सरकारों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे इतनी वेल्थ बनाई, उसका गुरु मंत्र भी पूछा, और देश कैसे तरक्की करेगा इसका रास्ता भी गौतम अडानी ने बताया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज SRCC की प्रिंसिपल डॉक्टर सिमरित कौर के फैसले का। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि रजत जी ने अदालत में आपके ऊपर बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आपने तर्क का सफलतापूर्वक जवाब दिया। पहला था वो कहते हैं आप बोलते नहीं, आज बुलवाने वाला मिल गया तो आप तो बहुत बोल पड़े। दूसरा उन्होंने कहा आप वेल्थ का फॉर्मूला छुपा के रखते हैं, सब लोग ये सोचते हैं, और मेरे ख्याल से आधे मिनट के अंदर आपने पूरा फॉर्मूला बता दिया। हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी। और फाइनली सर 60वें साल पे आपने 60,000 करोड़ दिया। हमारे घर में जब बच्चा होता है तो हम उसका पहला बर्थडे भी मनाते हैं महीने का, दूसरे महीने का भी मनाते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप 60 years and 1 month का भी बर्थडे मनाएं। years 2 months का बनाए और हजारों साल जिए इसी तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हुए। आप एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हैं उसको उसी गति से आगे ले जाइए जिस गति से आपने अपना बाकी का इंडस्ट्रियलाइजेशन को संभाला है। थैंक यू सो मच। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। SRCC के प्रिंसिपल कहें कि आज आपके बारे में हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि गौतम अडानी ने किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की, हर इल्जाम का साफ साफ जवाब दिया, बड़ी बेबाकी से बात की। आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगले हफ्ते आपसे मेरी मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।